Shorty said she coming with a brick, with a pen, with a young, coming with a brick, with a pen, with a young, coming with a brick, with a pen, with a young. आपका भी दिमाग हो जाएगा हैंग क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं एक नहीं दो दो मस्टैंग। और आज मुझे एक बात तो समझ आ गई कि रेड हॉट बेबी नहीं ये वाली बाबू लगती है। और हमने आपके लिए बहुत सारी कार्स का रिव्यू करा था और बोला था कि बहुत सारी स्पोर्ट्स कार आने वाली है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, तो हमने सोचा सबर का फल एक गाड़ी के साथ मीठा ही क्यों करें, दो दो मस्टैंग के साथ डायबिटीज क्यों ना कर दें। आइए देखते हैं मजा आएगा। और आज हम इन लग्जरी कार्स के साथ करेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, लोगों के रिएक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और सुनेंगे इन गाड़ियों की दहाड़। साला सिस्टम मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 0 to 100 ₹10 का पेट्रोल बहुत सारी चीजें टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये गाड़ियां आज हम टेस्ट कर रहे हैं, कल को आप टेस्ट करोगे तो एक्सपीरियंस तो लेना बनता है ना, क्यों नहीं। तो सबसे पहले साउंड टेस्ट, दोनों मस्टैंग की चाबी मेरे पास है और हम चलते हैं इनके पीछे की तरफ और देखते हैं कैसा प्रोड्यूस करती है। क्या आप जवाला फेंक रही हैं? भाई आवाज तो बवाल है और उससे बवाल है इनकी हीट। इनका 5000 सीसी से निकलने वाली जो हीट है वो इतनी नेक्स्ट लेवल है कि दोनों गाड़ियों के बीच में एकदम जवाला सा लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका 5000 सीसी और 8 वोल्ट वाला इंजन कितना पावरफुल और कैसा दिखता है। ओ भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये सरिया कितना गर्म हो गया। और एक्चुअल में पावर कहां से निकलती है वो दिखाता हूं। एक नॉर्मल कार का मतलब हमारी हैरी का इंजन कुछ ऐसा है जो 2 दिन पहले हमारे लिए काफी पावरफुल हुआ करता था 2000 सीसी, लेकिन एक 5000 सीसी का इंजन ऐसा होता है। और इसके भाई आर्किटेक्चर से लग रहा है कि ये रॉकेट माफिक, सच में ये देखते ही पावर फील होती है। और ये इंजन 400 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता है। और भाई सच में ये गाड़ी इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि एक कागज जला सकती है 5 मिनट की रेसिंग के बाद। तो ऐसी कार्स में स्पोर्ट्स के टाइम वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए ये एक सेल्वी किट लगती है जिसकी कॉस्ट अराउंड 5 लाख रुपए है। और ये बेसिकली हवा को चीरते हुए निकलती है ताकि जब स्पीड में हो गाड़ी तो बिल्कुल भी रुकावट ना आ पाए। और रेसिंग के टाइम पे ये वाली जो लेयर है इसको उतार दी जाती है ताकि इंजन की जो हीट है वो बाहर निकल सके। लेकिन जो कंपनी से आती है वो कुछ ऐसी आती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई वेंटिलेशन नहीं होता है भाई, जो हीट है वो अंदर ही रहेगी। और मैंने इन गाड़ियों की हीट को फील किया है, इसके लिए भाई वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जान की सलामती चाहते हो तो। और जब हमने 1-1 करोड़ के ये घोड़े ले ही लिए हैं और इतनी जनता देखने आ ही गई है तो क्यों ना इनके लिए पट्टे खरीदे जाएं और इनको थोड़ा पीछे पीछे चलाया जाए क्योंकि शोबाजी तो जरूरी है ना भाई। अब आ चुका है पेट्रोल पंप और हम 9 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे। भैया 9 रुपए का पेट्रोल डाल दो, 9 रुपए का जीरो करके डालना, डालो जरा। भाव क्या चल रहा है? 10 रुपए डाल दो, 10 रुपए का कर दो। चलो 9 रुपए भैया बोल रहे हैं, नहीं जा सकते। 10 रुपए का पेट्रोल डाल दो भैया, पावर पेट्रोल डलवाना भैया। भाई ऑलमोस्ट 100 ml आ जाएगा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओके हो गया, हंस तो देंगे ही, 10 लाख रुपए का पेट्रोल दिया है यार, इतना पैसा उनकी जेब में आ चुका है, हंसना तो जरूरी है। तो गाइस जब 10 रुपए का पेट्रोल आ ही चुका है वो भी पावर पेट्रोल, तो क्यों ना 0 to 100 कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इस रोड पे करेंगे हम 0 to 100 वाला टेस्ट। ओके 1 2 3 गो। 1 अरे इधर आओ, गाड़ी में बैठना है, आ जाओ, रेस दे थोड़ी सी।
इस जैसा टोरा मैंने आज तक नहीं देखा। लिटरली हमने इतने वीडियोस किए हैं लेकिन लोगों का इतना बल्क में आना मैंने लिटरली आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। और भाई बच्चों की तो ये नेक्स्ट लेवल फेवरेट है, तो अगर बच्चों में मशहूर होना है तो डेफिनेटली एक तो चाहिए बनती है। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, और आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कौन सी कार चाहिए नीचे कॉमेंट में बताओ। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए